तो ये इनकी इंसल्ट कर रही है, ये यहाँ पे गेस्ट है, इन्होंने गेस्ट का गिर गया। हाँ तो तभी पुलिस वाले घूम रहे, अभी कंप्लेंट कर दूंगा, अपने तक रखो। तो ये जो अभी आप लोगों ने एक छोटी सी क्लिप देखी है, ये जो सीन था ये मिस्टर डेरिक के साथ हुआ था, एक ट्रेन में जो एक लेडी है मिस्टर डेरिक के ऊपर चिल्लाने लग गई थी। तो अभी आप लोगों को मैं एक क्लिप दिखाता हूँ जो मैंने इंडिया में बनाई थी। आप लोगों को पता है कुछ महीने पहले मैं इंडिया गया था और मिस्टर डेरिक भी इंडिया आए थे घूमने के लिए, तो उस टाइम मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो ये अभी आप लोग वीडियो देखो, तो वीडियो के बाद मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो आज हम लोग जा रहे हैं अमृतसर और यहाँ पे बैठे हुए हैं मिस्टर डेरिक। मैं आ गया हूँ बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के जो गेट है, तो ये रहा गेट, और मेरे साथ है मिस्टर डेरिक। आप लोगों को पता है, बट मिस्टर डेरिक का जो लुक देख के ना आप लोग भी खुश हो जाओगे। मिस्टर डेरिक एकदम, मैं बोलूंगा कि एकदम डिफरेंट लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त। सो आप लोग रेडी हो मिस्टर डेरिक को देखने के लिए? तो मैं तीन गिनता हूँ, तब करता हूँ 1 2 3। मिस्टर डेरिक सिंग इज किंग बन गए भैया। मिस्टर डेरिक, आई एम अ वॉरियर। मिस्टर डेरिक ने सब चीजें पढ़ी थी, तो उनको पता था जो ब्लू रंग होता है ना पगड़ी वगैरह का, वो वॉरियर के लिए होता है। तो उन्होंने ब्लू रंग की बहुत सारी चीजें ली हैं और वो वॉरियर है। सो व्हाट यू गोइंग टू डू नाउ, यू बिकम ए वॉरियर? आई एम रियली अ चिकन एट हार्ट, सो यू नो आई एम जस्ट गोना गो इन एंजॉय द गोल्डन टेंपल एंड व्हाट्स हैपनिंग दिस इवनिंग एंड जस्ट चेरिश व्हाट्स हैपनिंग हियर टुनाइट बिकॉज़ इट्स बीन अमेजिंग। ओह या, यू गॉट टू ब्रा। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर दर्शन करके। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ऑसम। सो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं वाघा बॉर्डर पे, और वाघा बॉर्डर है ना यहाँ से मुश्किल से आधा घंटा है जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं भैया यहाँ पे, यार बहुत ज्यादा भीड़ है एकदम से जबरदस्त। मिस्टर डेरिक ने भैया इतना चिल्लाए है, इतनी जय वो करी है कि आवाज ही बैठ गई है। तो अभी हम लोग घूम रहे थे, इन्होंने पहचान लिया वाघा बॉर्डर पे ही, और वो वहाँ पे इन्होंने वेट भी किया था बट मिल नहीं पाए। बट देखो अगर मिलना होता है तो कोई कहीं पे भी मिल जाता है। बिल्कुल है, मैंने सच बताऊँ, मैं, ये मेरा नेफ्यू, अच्छा मैंने ये कह रहा कि नहीं मिलेंगे, गए वो। अच्छा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मिलना होगा तो मिलेंगे जरूर। आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई, तो जिससे हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं ना ये है तेजस। सो अभी जो अभी है ट्रेन चलने लग गई है। सो अभी खाना आ गया है, मिस्टर डेरिक ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, नमकीन वगैरह हर एक चीज। अभी मिस्टर डेरिक कॉफी पी रहे हैं। सो हाउ वाज द फूड व्हिच यू ट्राई? इट वाज ऑल प्रीटी गुड, यू नो, फॉर अ स्नैक कमिंग ऑफ हियर। या इट्स प्रीटी ऑसम, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल दिस थिंग, इट हैज अ लिटिल बिट इन द मिडल। कचौरी। कचौरी, ओके, देयर यू गो। ये इनकी इंसल्ट कर रही है, ये यहाँ पे गेस्ट है, इन्होंने गेस्ट का गिर गया। हाँ तो उनका गिर गया, वो आ रहे हैं ना क्लीनिंग के लिए, आ रहे हैं ना, फेक किया है ना, तो फिर अपना चुप रहो। जैसे लोग जो है ना यहाँ पे आके लड़ाइयाँ करते हो, तभी पुलिस वाले घूम रहे हैं, अभी कंप्लेंट कर दूंगा, अपने तक रखो। गाइस ये है नेक्स्ट डे, और अब बिल्कुल हम लोग बस मुंबई पहुंचने वाले हैं। सो ये है जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे ना, देख लो अब कूड़ा गिरा के गए हैं। अब मैं उनको बोल के जाता हूँ कि क्या किया उन लोगों ने। वो ट्रैश लेफ्ट कर दिया आपने ट्रैश लेफ्ट कर दिया आप, वो कूड़ा छोड़ के जा रहे हो नीचे, हमें तो बड़ा बोल रहे थे आप, क्योंकि अब क्योंकि। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये जो सीन था ये कैसे हुआ था। हम लोग जा रहे थे ट्रेन में दिल्ली से मुंबई, एक्चुअली हमें मुंबई जाना भी नहीं था, मिस्टर डेरिक की वजह से हम लोग मुंबई गए। एक्चुअली आप लोगों को पता है मिस्टर डेरिक अमेरिका में रहते हैं और इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे, दिल्ली में मेरा घर था तो दिल्ली में रुके हुए थे, और उन्होंने ना बॉलीवुड की और हॉलीवुड की बहुत सारी मूवी देखी हुई है जहाँ पे हमेशा मुंबई तो दिखाते ही हैं। तो वो कह रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, और मुझे वो ताज होटल में रुकना है, जुहू बीच देखना है ये। तो मैंने बोला ये तो सब है मुंबई में, और
मुंबई यहाँ से दूर नहीं है, अगर हम लोग फ्लाइट पकड़ते हैं तो 2-3 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। बट मिस्टर डेरिक ने कहा मुझे फ्लाइट से ट्रैवल नहीं करना, मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना है, मुझे ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, आज जो भी ट्रेन मिल रही है हम लोग बुक करते हैं और निकलते हैं मुंबई के लिए। तो हमारी जो एक्चुअली जो सीट थी ना वो भी अलग अलग थी, क्योंकि हम लोगों ने अर्जेंटली बुक कराई थी। तो जिस सीट के ऊपर हम लोग बैठे हुए थे जहाँ पे सीन हुआ, उसी सीट के ऊपर वाली सीट मेरी थी। जब हम लोगों ने एंटर किया ना तो वहाँ पे टीटी खड़े हुए थे, तो हम लोग पूछे थे कि हमारी सीट कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि आपकी सीट जो है ये है ऊपर वाली है, और नीचे वाली सीट थी मिस्टर टीटी की। तो मिस्टर टीटी ने कहा अगर आप यहाँ बैठना चाहते हो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सीन है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम लोग इस तरफ बैठ जाते हैं ना तो दूसरी तरफ में बिल्कुल सामने ही वो मोहतरमा बैठी हुई थी, और मिस्टर डेरिक जिस तरफ बैठे हुए थे उनके बिल्कुल फेस के सामने वो मोहतरमा बैठी हुई थी, और उनको है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि हम लोग वहां बैठ गए, क्योंकि एक तो वो टीटी की सीट थी, हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके वहां पे बैठ गए, और दोनों तरफ बड़ी बड़ी विंडो होती है जो कि वो हमारे बैठने से पहले दोनों तरफ का लुफ्त उठा रही थी मोहतरमा। तो उनको गुस्सा आ गया कि यहाँ पे क्यों बैठ गए, अब इस तरफ को मैं ज्यादा देख नहीं पाऊंगी। तो शायद ये उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और बिल्कुल मिस्टर डेरिक के सामने बैठी हुई थी। तो ट्रेन में जब खाना वगैरह सर्व करते हैं तो खाना आया और सबने खाना खा लिया, तो पता नहीं वो आपस में ना बड़ी गुस्से में बातें कर रहे थे, आपस में जो लेडी थी उसके साथ कोई फैमिली वगैरह थी, तो आपस में बड़ी तेजी में गुस्से में बात कर रहे थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे थे, बट सडनली उन्होंने ना मिस्टर डेरिक के बारे में बोलना चालू कर दिया, स्पेशली उस लेडी ने, कह रही कि पता नहीं ऐसे ऐसे आ जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर लोग, और ये देखो नीचे खाना गिरा दिया, तो हम लोग नीचे देख रहे कुछ इतना हमें दिखाई नहीं, हमने बोला कहाँ गिरा हुआ है। मिस्टर डेरिक कह रहे कि क्या बोल रही है वो, तो मैंने बोला कि वो भैया बोल रही है कि आपने खाना गिरा दिया, और मैंने उनको बोलने लगा कि भाई आपको थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हमारे जो इंडिया है उसके अंदर एक रिस्पेक्ट होती है, मेहमान को भगवान माना जाता है, अतिथि देवो भव। मैं बोला तुम्हें कुछ भी नहीं आइडिया कि मतलब तुम किसके साथ कुछ भी करने लग जाते हो, कुछ तो तमीज होनी चाहिए। बट वो लेडी को है ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस अपनी धुन में लगी हुई थी, अटेंशन सीकर थी वो, उसको अटेंशन चाहिए थी कि ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता, पूरी मतलब इंसल्ट करने वाली बातें कर रही थी। तब मेरे को इतना गुस्सा आया मैं पुलिस वालों को भी बुला लाया, मैं बोला कि ये जो लेडी है ना बिल्कुल चुप होने का नाम नहीं ले रही है, ऐसा ना हो यहाँ पे कुछ और ही सीन हो जाए, तो इसको प्लीज चुप कराओ। तो वो लेडी को पुलिस वालों ने काफी उसको बोला और वो डर के मारे फिर चुप हो गई। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने मिस्टर डेरिक का फेस देखा, मिस्टर डेरिक कह रहे यार लाइफ में मेरे से कभी ऐसे किसी ने बात नहीं की है, क्यों इतना वो तेज तेज चिल्ला रही थी, क्या कर रही थी। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आप अपनी सीट पे जाओ, आप सो जाओ, मैं अपनी सीट पे सो गया। सुबह सुबह जब हम लोग बिल्कुल मुंबई पहुंच गए, जब हम लोगों ने देखा कि वो लोग अपना पूरा जब वहां से जा रहे थे खाली करके सीट, तो उस लेडी ने काफी सारा वहां पे गंद फेंक दिया नीचे, तब मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने बोला कि यार वो, अगर आप लोगों ने उनकी लाइन एक सुनी होगी जब वो कह रहे थे कि क्रम्स, मतलब जो क्रम्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं जैसे ब्रेड में से गिर जाते हैं, तो यार वो दिखते भी नहीं है, वो उसके लिए बात कर रही थी, और अब वो कितना ज्यादा कूड़ा, आप लोगों ने देखा कितना ज्यादा कूड़ा फेंक के जा रही थी। तब मेरे को गुस्सा आया, जब मैं खड़ा होके गया, मैंने बोला कि सुनो भाई तुम इतना ज्यादा कूड़ा फेंक के जा रहे हो, और तुम मिस्टर डेरिक को बोल रहे थे कि भाई तुम मतलब इतना यहाँ पे गंद गिरा रहे हो, आपको कुछ शर्म आ रही है, हया आ रही है? फिर कह रही थी कि नहीं ये तो वो साफ कर देगा। मैं बोला अच्छा अब नहीं, ये तो ये था पूरा सीन जो आप लोगों ने देखा, और मेरे को सही में बहुत ज्यादा उस टाइम गुस्सा आया, मगर जो भी है लेडी थी उसके साथ इतना कुछ कर नहीं सकते थे, तो मैंने पुलिस को बुलाया। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग क्या करते, बट मुझे दिल से बहुत बुरा लगा कि ऐसे कभी भी कोई ट्रैवल करने के लिए हमारी कंट्री में आता है तो हमारी जो कंट्री है उसका नाम खराब कभी नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना कि इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते, ठीक है? और अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना तो मैं मिस्टर डेरिक से उनका मतलब पूछूंगा कि उनका कैसा रहा, जो उनका इंडिया का ट्रिप था वो कैसा रहा, और क्या वो दोबारा इंडिया जाना चाहेंगे, और इस लड़ाई के बारे में भी पूछता हूं कि उनको मतलब कैसी फीलिंग्स हैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना था, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक करना मत भूलो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बिलीव इन योरसेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।